चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान। वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, हफ्ते से उनकी तहरीक शुरू हो जाएगी, जब मैं आपको कॉल दूंगा तो आपने मेरे साथ निकलना है। एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है, हुकूमत इलेक्शन से भागना चाहती है। जो सूबे पीटीआई के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला का ऐलान, कहा सूबों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार आईन वफाकी हुकूमत को देता है। वज़ीर दाखला का इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से भी साफ इनकार। नैब के अहम फैसले, 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केसेस ही लिए जाएंगे। धोखादही केसेस लेने के लिए मुतासरीन की तादाद कम अज कम 100 होगी। एहतसाब अदालतों से वापस भेजे गए केसेस सेशन अदालतों को भेजे जाएंगे। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की जेर सदारत इजलास का एलानिया जारी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जेर सदारत ECC का इजलास। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए 10 अरब की मंजूरी। पैरासिटामोल की कीमत माकूल बनाने और दस्तियाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से मुलाकात। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद का शुक्रिया। कहा सैलाब से 1500 अफराद जान से गए, 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। और सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद का सिलसिला जारी। यूनान और रूस से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी परवाज कराची पहुंच गई। यूनान के एजासी काउंसिल जनरल, वजारत खारजा और NDMA नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया।